हाई एवरी वन सो दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ क्यू एम जिसमें अपने यहाँ डिस्कस करने वाले रीडिंग नंबर वन रेट्स एंड रिटर्न तो अपना जो फर्स्ट क्लास रहेगा दैट विल बी ऑन रेट्स एंड रिटर्न इन दी रेट्स एंड रिटर्न वी हैव फाइव वैल्यूएस अपने पास फाइव वैल्यूएस है एंड दिस फाइव वैल्यूज कंसिस्ट ऑफ योर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल तो थ्योरी भी और अपना यहाँ पे प्रैक्टिकल भी है ठीक है तो आप कैलकुलेटर प्लीज रेडी रखना बिफोर योर स्टार्टिंग दस क्लास तो मैं क्विकली यहाँ पे स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ एलओएस okay. सबसे पहले आपका रेट्स एंड रिटर्न ठीक है दिस इज फर्स्ट रीडिंग एंड रिटर्न एंड वी हैव फाइव हैउंट रेट और ऑपरचुनिटी कॉस्ट एंड एक्सप्लेन एन इंटरेस्ट रेट एज द सम ऑफ रियल रिस्क फ्री रेट एंड प्रीमियम दैट कॉम्पनसेट इन्वेस्टर्स फॉर बियरिंग

एक रोड मैप बना दिया रेट्स एंड रिटर्न का तो यहाँ पे क्या आप जब रिवाइज करोगे या जब अपने क्लास के अंदर में भी रेफर करेंगे ईच एंड एवरी सिंगल एयर इट विल बी वेरी इजी फॉर यू और जब आप रिवाइज करोगे उस समय भी आपके लिए पूरा इजी रहेगा बिकॉज फ्रॉम दिस वन पेजर यू शुड बी एबल टू रिकलेक्ट ऑल दी कॉन्सेप्ट क्योंकि जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा यू नीड समथिंग क्या एक एक या पेजर या टू पेजर ऐसा कुछ समरी हो जिससे आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या कर पाओ रिकैप कर पाओ तो ये मैंने उसी पर्पज से आपके लिए बनाया तो यू कैन सी रेट्स एंड रिटर्न को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया फर्स्ट पार्ट इज अबाउट रेट्स सेकेंड पार्ट इज अबाउट रिटर्न जो रेट है इंटरेस्ट रेट का इंक्लूडिंग रिस्क प्रीमियम इंक्लूडिंग वॉट रिस्क प्रीमियम इस पे आऊंगा मैं एक एक चीज को लेकर क्या हुआ दिस इज एलवेस नंबर ए यही लिखा हुआ था ए के अंदर इन एल नंबर ए बट इन नट से

पार्ट नंबर इंटरेस्ट रेट ओके बिफोर वी स्टार्ट विथ इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट होता क्या है वैसे इंटरेस्ट रेट अपने को सब कोई को सबको ही पता है कि इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है बट इन अ प्रैक्टिकल लाइफ वी टेक टू टाइप्स ऑफ डिसीजन प्रैक्टिकली अपने दो टाइप का डिसीजन लेते हैं डे टू डे एक डिसीजन होता है आपका बोरोइंग डिसीजन डिस होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन फर्स्ट होता है क्या बोरोइंग डिसीजन की कितना अमाउंट बोरो करना है मेरे को सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन राइट वाई यू वॉन्ट टू बोरो बोरो करना चाहता है फॉर योर करेंट कंजम्पन करेंट कंज्शन के लिए यू वॉन्ट टू बोरोटन अमाउंट कि सर मेरे को कुछ घर लेना है मेरे को गाड़ी लेनी है राइट right? और फॉर माई समर्सनल पर्पज आई वॉन्ट टू बोरोन अमाउंट मीन्स दैट अमाउंट विल कैन बी यूज फॉर योर current consumption why you want to invest simple for future simple for future <inaudible> investment kar for your higher education might be your investing for your some personal requirements for your car for your house in the future jobge right might be for your retirement planning might be for your retirement planning so this can be purpose for the इन्वेस्टमेंट एंड फॉर बोरिंग तो आज अपने बोरो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं बोरो कर रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं बोरो करते हैं जब अपने बोरो करते हैं वॉट वी चेक जब अपने बोरो करते हैं वॉट वी चेक वी चेक दॉफ बोरिंग अपने को ब्याज इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा कॉस्ट ऑफ बोरिंग मीन्स अपने को इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा सेकेंड इनकेस ऑफ इन्वेस्टमेंट

इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अब जब यहाँ पे बात हुआ इंटरेस्ट रेट का यहाँ बात हुआ क्या इंटरेस्ट रेट का तो इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है वॉट डू वी मीन बाई इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट होता क्या ये सबको पता है बट इंटरेस्ट रेट का एक्चुअली मतलब क्या होता है देखो देर आर टू परसेंट मिस्टर ए एंड मिस्टर बी मान लो दो पर्सन है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी मिस्टर ए इज द बोरोवर ऑफ मनी मिस्टर ए इज द ऑफ मनी मिस्टर बी इज लेंडर ऑफ द मनी मिस्टर ए क्या कर रहा है बोरो कर रहा है पैसा किससे मिस्टर बी से तो एक काम करता है इसको, को, से कुछ अमाउंट देगा एंड दैट कुछ अमाउंट इज से टेन थाउजेंड डॉलर टेन थाउजेंड डॉलर लेंड किया इसने कितने टाइम पीरियड के लिए मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए फॉर फाइव ईयर्स फाइव ईयर्स के लिए वो

इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट दी प्राइस फॉर मनी तुम सोचो मनी इज अ कमोडिटी जो मिस्टर बी मिस्टर को दे रहा है तुम अगर कोई भी कमोडिटी बाई करता है तो ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू पे जब भी तुम कोई एसेट एक 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 या कोई कमोडिटी बाई कर तो मिस्टर बी जब मिस्टर ए को वो कमोडिटी दिया या वो मनी दिया तो उसके बदले में मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या दिया इंटरेस्ट रेट एंड दैट इज एक्चुअली दी प्राइस तो इंटरेस्ट रेट इज वॉट प्राइस फॉर मनी इट्स वेरी इजी थर्ड ये मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं नंबर लाइन इसको बोलते हैं अपने नंबर लाइन स्टैंडिंग एज ऑन टूडे आज के दिन दैट इज आई एम राइटिंग जीरो एट पॉइंट ऑफ टाइम के स्टैंडिंग एज ऑन टुडे ठीक है और यहां पे फर्स्ट ईयर का एंड ठीक है फर्स्ट ईयर का एंड यहां पे जीरो मतलब फर्स्ट ईयर का स्टार्टिंग और यहाँ पे फर्स्ट ईयर के एंड पे मान लो मैं आपको बोल रहा हूं दैट आई विल गिव यू डॉलर एज ऑन टुडे मैं आपको डॉलर दे रहा हूं एज ऑन टुडे सेकेंड ऑप्शन है मैं आपको देगा वन थाउजेंड डॉलर आफ्टर वन ईयर दो ऑप्शन आपके पास एक ऑप्शन है कि आई गिव यून थाउजेंड डॉलर एज ऑन टूडे सेकेंड ऑप्शन है आई गिव यून थाउजेंड डॉलर आफ्टर वन ईयर तो आप कौन सा एक्सेप्ट करोगे विच ऑप्शन यू विल एक्सेप्ट ऑब्वियसली एज ऑन टूडे वाला ऑप्शन मतलब आप चाहोगे कि आज मेरे को पैसा मिल जाए वन थाउजेंड डॉलर आज आपको एक्चुअली मिल जाए फ्रॉम मी ऐसा क्यों ऐसा क्यों चाह रहे हो एक आपको रिस्क लग रहा होगा कि फ्यूचर में अगर आपने पैसा नहीं दिया तो मतलब फ्यूचर में मैं अगर आपको पैसा नहीं दिया तो दैट कैन बी योर रिस्क सेकेंड इफ आई एम गिविंग यू वन थाउजेंड डॉलर टूडे यू माइट डू देंट कंजम्पन जो यहां पे अपने बात कर रहे थे बोरिंग फ्रॉम मी टूडे वट यू विल यूज हो सकता है आप करंट कंजम्शन के लिए यूज करो कोई कमोडिटी, कोई गुड्स बाई कर रहे हो, हो right? डॉलर का वैल्यू है एज ऑन टूडे डू यू थिंक इट विल रिमेन द सेम आफ्टर वन ईयर ऑल्सो मतलब क्या वन थाउजेंड डॉलर का जो रियल वैल्यू है वो क्या आफ्टर वन ईयर भी वन थाउजेंड डॉलर रहेगा नो no, नहीं रहने वाला है क्यों क्योंकि देर इज अन्फ्लेशन इन द इकोमी बिकॉज देर इज अ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी मतलब कि सर जो वन थाउजेंड डॉलर का अगर मैं आपको वन थाउजेंड डॉलर देता आज अब वो वन थाउजेंड डॉलर से कोई कमोडिटी बाई कर लेते जाके मार्केट में आफ्टर वन ईयर अज्यूमिंग सिक्स परसेंट इन्फ्लेशन है अज्यूमिंग व्हाट सिक्स परसेंट इन्फ्लेशन है तो वो जो थाउजेंड डॉलर का आज आप कमोडिटी बाई करते आफ्टर वन ईयर वो कमोडिटी का प्राइस क्या हो जाता एट द रेट ऑफ सिक्स इन्फ्लेशन बताओ थाउजेंड डॉलर अगर आप आज बाई करते वर्सेस फर्स्ट ईयर एंड पे बाई करोगे तो वो वन थाउजेंड का वैल्यू क्या हो जाएगा इट विल्स इन्फ्लेशन कैसे इसका मतलब तुम तो प्रेफर करेगा कि आज ही तुमको वन थाउजेंड डॉलर मिल जाए रीजन क्योंकि year, अगर आपको थाउजेंड डॉलर सेम अमाउंट मिलेगा वन थाउजेंड आप जब बाई करोगे कमोडिटी इन द मार्केट यू हैव टू पे हाउ मच था इसका मतलब तुम क्या प्रेफर कर रहे हो थाउजेंड आज मिलना या आफ्टर वन ईयर मिलना आज मिलना बिकॉज आप आज उसको क्या करोगे करंट कंजम्शन के लिए यूज कर सकते हो एंड उसका वैल्यू मे नॉट बी द सेम आफ्टर वन ईयर इनफैक्ट इट मे नॉट बी सेम आफ्टर सिक्स मंथो बिकॉज इन्फ्लेशन तो हो रहा है इकोनॉमी के अंदर में राइट देर इज एन इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी तो वैल्यू स्टैंडिंग एज ऑन टूडे वर्सेज आफ्टर वन ईयर इज नॉट इक्वल

आपको ज्यादा चाहिए आई वॉन्ट मोर बिकॉज आई एम सैक्रीफाइजिंग दी करेंट कंज्शन आई एम मतलब बॉरो पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ राइट right? अगर वो पैसा मेरे को

क्या तुमको थाउजेंड डॉलर ही ईयर क्या आपको ओनली वन थाउजेंडर चाहिए no. जब वन थाउजेंड डॉलर ही मिलना था आफ्टर वन ईयर तो आप बैंक में जाके एफ डी क्यों करोगे यू कुड हैव केप्ट कूड हैल्फ आज आप रख लो वो पैसा खुद के पास या उसका कंजम्पशन कर लो वाई यू विल केप्ट इन दी बैंक का एफ डी ऑब्वियसली जो थाउजेंड डॉलर आज है वो थाउजेंड डॉलर आफ्टर वन ईयर यू डू नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट यू वॉन्ट सम मोर बिकॉज वो जो थाउजेंड डॉलर आज आप बैंक के पास एफ डी किया है यू कुड कंज्यूम्ड आप कुछ कमोडिटी बाई कर सकते थे कुछ एसेट बाई कर सकते थे बट आपने वो नहीं किया, आपने क्या किया उसको इन्वेस्ट कर दिया और इन्वेस्ट किया टेन परसेंट फॉर वन ईयर इसका मतलब मेरे को थाउजेंड नहीं कितना चाहिए इलेवन हंड्रेड आई डो नॉट वॉन्ट थाउजेंड बट आई वॉन्ट थाउजेंड प्लस

उसका वैल्यू क्या हो जाएगा गिर जाएगा वो जो थाउजेंड है उसका क्या हो जाएगा? गिर जाएगा. तो थाउजेंड का जो वैल्यू uh, वो क्या हो जाएगा गिर जाएगा. इसको मैं में भी से एक करता हूं, आपको एक्सप्लेन करने का बाय टेकिंग सर्टेन कमोडिटी का एग्जांपल थाउजेंड डॉलर से आज आप वन यूनिट बाई करते थे कोई कमोडिटी का यू यूज टू बाई वन यूनिट ऑफ दैट Commodity. उसका दाम था थाउजेंड डॉलर मान लो इकोनॉमी में परसेंट इन्फ्लेशन हुआ इसका मतलब ये जो है, इसका क्या हो गया, 1060. 1060 बढ़ गया. जो है, का उसका क्या हो गया प्राइस बढ़ गया आफ्टर वन ईयर मार्केट में थाउजेंड डॉलर लेके गए ठीक है ठीक से सुननाउजेंड डॉलर था आज के दिन

जो थाउजेंड डॉलर का वैल्यू था वो क्या हो गया गिर गया बिकॉज यू आर एबल टू बाई लेस देन वन यूनिट फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी फॉल इन दी परचेजिंग पावर ऑफ मनी इसी को अपने बोलते परचेजिंग पावर क्या हो गया गिर गया राइट right? गिर गया बिकॉज आप लेस नंबर ऑफ यूनिट्स बाई कर रहे हो आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट ये एकदम बेसिक था कि इन्फ्लेशन वगैरह कैसे हुआ दो वैल्यूज आ रहा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर में तो दो आर नॉट इक्वल याद रखना दोज आर नॉट इक्वल राइट चलिए दिस वॉज योर बेस बिल्डिंग अब अपने इंटरेस्ट रेट में जा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है सो वी आर फॉर्मली स्टार्टिंग विद्यूएस इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है तो इंटरेस्ट रेट का भी मतलब समझे थे कि इंटरेस्ट दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस जो एलोएस है इसका फर्स्ट पार्ट है कि इंटरेस्ट रेट का इंटरप्रिटेशन क्या है तो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड

से बॉन्ड और फिक्सड इनकम फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो या रियल एसेट कुछ रियल एसेट्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हो या रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो राइट और यू आर बाइंग कमोडिटी से गोल्ड गोल्ड बाई कर रहे हो राइट तो क्या आपका कोई रिक्वायर्ड रिटर्न है क्या आपका कोई रिक्वायर्ड रिटर्न एक मन में सोचते हैं ना कि किस्टिंग इन टू सम या कोई एक स्टॉक बाई कर रहे हो आप एक मन में रहता है ना कि यार अपने को अराउंड टू का रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए चाहिए ही चाहिए का मतलब क्या दैट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दैट टाइप ऑफ एसेट क्लास अगर कोई अपने स्टॉक बाय कर रहा है तो एक मन में आता है ना यार अपने को इस स्टॉक से अराउंड 10% चाहिए ही चाहिए दैट चाहिए ही चाहिए इज नथिंग बट द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन द रिस्क इन दैट एसेट क्लास गिवन द रिस्क इन दैट एसेट क्लास अगर कोई एसेट क्लास रिस्की है जैसे इक्विटी आर रिस्की इक्विटी यार एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर आप कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई कर रहे हो रिस्क फ्री तो अपने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीजम रिटर्न चाहिए या अपने को कोई एसेट क्लास से मिनिमम रिटर्न चाहिए उसको अपने क्या बोलते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सो दिस इज नथिंग बट दिनिम रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाई द इन्वेस्टर्स सिंपल मिनिमम रेट मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से टेन परसेंट ठीक है से टेन परसेंट तो ये मिनिमम रिटर्न चाहिए चाहिए गिवेन द रिस्क इन एसेट क्लास सेकेंड इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हुआ इफ यू कुटेड से वन थाउजेंड डॉलर इन दैंक

सकते थे अपने खुद के सैटिस्फैक्शन के लिए कंज्यूम uh, कर सकते थे आपने क्या क्या उसको इन्वेस्ट कर दिया सो दैट एक्चुअली सैटिस्फैक्शन यूर नॉट गेटिंग सो दैट लूज जो आप लूज कर रहे हो दैट इज एक्चुअली वॉट सेक्रीफाइस एंड दैट इज दुनिटी कॉस्ट राइट से दिस इज ऑल्सो टेन परसेंट

टोटल चेक चाहिए कितना चाहिए इलेवन हंड्रेड डॉलर चाहिए कब चाहिए अब ये जो है, ये आपको रिटर्न देगा टेन परसेंट का दिस एफ डी विल गिव यू पर एनम रिटर्न ऑफ टेन परसेंट तो हाउ मच यू शुड डिपॉजिट टुडे आज आप कितना डिपॉजिट करोगे बैंक के अंदर में सो दैट एट द रेट ऑफ दर्सेंट वो अमाउंट कितना बन जाएगा इलेवन हंड्रेड तो इलेवन हंड्रेड आपका फ्यूचर वैल्यू हो गया फ्यूचर वैल्यू टेन परसेंट आपका रिटर्न हो गया वन आपका टाइम पीरियड हो गया वापस से रिपीट कर रहा करो फ्यूचर वैल्यू हो गया आपका इलेवन हंड्रेड रिटर्न जिसको अपने इंटरेस्ट रेट बोलते हैं आई बाई वाई टेन परसेंट एन इज वन ईयर ठीक है टाइम पीरियड टाइम पीरियड क्या हो गया वन वी वॉन्ट वॉट प्रेजेंट वैल्यू आज कितना डिपॉजिट करे हाउ मच नीड्स टू बी डिपॉजिट टूडे तो अपने क्या करेंगे यहाँ पे इलेवन हंड्रेड है जीरो वन उसको आज अपने करेंगे डिस्काउंटिंग एट द रेट ऑफ टेन परसेंट जो 1100 फ्यूचर में खड़ा है उसको आज अपने क्या करेंगे पुल करेंगे द रेट ऑफ़ 10 फ्यूचर वैल्यू गिव इन दी फ्यूचर वैल्यू जिस रेट से आज अपने उसको पुल कर रहे हैं टू गेट दी प्रेजेंट वैल्यू इज डिस्काउंट रेट गिवन दी फ्यूचर वैल्यू रेट एट विच आई विल गेट प्रेजेंट वैल्यू इज डिस्काउंट रेट ये आपका डिस्काउंट रेट हो गया ठीक है तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था कि इंटरेस्ट रेट का इंटरप्रिटेशन क्या है तो इंटरेस्ट रेट का इंटरप्रिटेशन इज थ्री रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड

Discount rate. तो so given the present, given the future value, given the future value, the rate at which I will do the present value to get uh, the present value जो आज आपको मिलेगा उसको आपने किस rate से pull कर रहे हो at the discount rate. तो so आपने discount rate से उस चीज को pull कर रहे हैं. तो so this was interest rate का interpretation. Now about the different components of the interest rate what are the different components of interest rate this is the subsepala component of the interest rate is the real risk free rate first component is the रियल आरएफ रियल रिस्क फ्री रेट ठीक है तो अपने रिस्क uh, फ्री को लिखेंगे आरएफ क्लास के अंदर में नेक्स्ट कंपोनेंट इज दी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन थर्ड पार्ट इज दी रिस्क प्रीमियम थर्ड पार्ट इज दी रिस्क प्रीमियम ठीक है So, components of the interest rate, we have three components. First is the real RF, second is the expected inflation, and third is the risk premium. Up to risk premium is Here also we have three components. Risk premium also we have three components. Default, risk premium, RP default risk premium, liquidity risk premium, and we have maturity. रिस्क प्रीमियम मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम ठीक है तो चलिए अब एक एक कॉम्पोनेंट को पकड़ते हैं और उसको डिग इन करते हैं तो सबसे पहला क्या बोला रियल रिस्क फ्री रेट तो नाम से समझ में आ रहा है सबसे पहला सेकंड वाला कंपोनेंट पे देखो फर्स्ट वाले कंपोनेंट के अंदर में जो सेकंड वाला पार्ट है रिस्क फ्री रेट तो रिस्क फ्री रिटर्न आपको किससे मिलेगा रिस्क फ्री रेट आपको किस टाइप के सिक्योरिटीज से मिलेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑब्वियसली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिस्क फ्री मतलब विल बी नो डिफ़ॉल्ट फ्रॉम साइड जो पैसा आपसे बोरो कर रहा है उसके बदले जो आपको रिटर्न मिल रहा है बोल रहा है वो रिस्क फ्री रेट है मतलब कोई भी डिफॉल्ट नहीं हो सकता है नो no डिफॉल्ट जो रियल पार्ट है दिस मीन्स नो इन्फ्लेशन No inflation. Real मतलब no inflation. देखो जो मिस्टर 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 को जो जो इंटरेस्ट रेट मतलब दे रहा है क्या उसके अंदर में इन्फ्लेशन ऐड करके देना चाहिए या इन्फ्लेशन हटा के देना चाहिए

ताकि जो पैसा भी आपको मिले और जब आप बाई करो कोई भी कमोडिटी उसका जो परचेजिंग पावर है वो कम नहीं हो दैट इज़ यू वांट इन्फ्लेशन ऑल्सो बट यहाँ पे क्या बोला रियल रेट रियल मतलब क्या नो no इन्फ्लेशन इसका मतलब रियल रिस्क फ्री रेट के अंदर में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है या नहीं है ऑब्वियसली इट्स नॉट इंक्लूडेड बट डू यू थिंक प्रैक्टिकली जब भी आप कोई को पैसा देते हो तो इंटरेस्ट रेट जो भी आपस में फाइनल होगा वो इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन होने वाला और एक्सक्लूडिंग रियल रिस्क्री रेट मेंसिडर वॉट इन्फ्लेशन इसलिए सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या इन्फ्लेशन इसलिए सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या आया एक्सपेक्टेड इनफ्लेशन तो रियल आर एफ फर्स्ट कॉम्पोनेंट प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम प्लस वट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन प्रीमियम इज इक्वल टू नॉमिनल आर एफ इज इक्वल टू वट नॉमिनल रिस्क फ्री रेट तो रियल आर एफ प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन मिला के क्या आता है नॉमिनल आर एफ नॉमिनल का मतलब वह रियल प्लस इन्फ्लेशन रियल तो है प्लस क्या इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड भी है चलो एक बार नंबर्स ले लेते हैं मान लो रियल आर एफ है आपका टू परसेंट ठीक है

अप्रोक्सीमेट तो रियल आर एफ प्लस इन्फ्लेशन मिला के ऐसा ऐसा रेट uh, पे तो ऑब्वियसली जो कंपाउंडिंग होगा वन परसेंट का पार्ट आने वाला उसपे अरे टू परसेंट पे सिर्फ टू परसेंट तो नहीं जा रहा है ना प्लस वन परसेंट भी जा रहा है बट टू परसेंट पे

2% का फैक्टर मतलब अगर मैं 1 डॉलर लगाता 1 कहां से लाया इफ आई वुड हैव इन्वेस्टेड 1 डॉलर आई वुड हैव जनरेट 2% परसेंट ऑन दैट तो मेरा कितना आया 1.02 ईयर एंड पे ऑल्सो ऑन दैट आई वुड हैव earned 1% का इन्फ्लेशन, because of expected inflation आपस आप में डिस्कस हुआ था कि यार 2% तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा उसके ऊपर I will give you how much 1% extra तो so, 1.02 into 1.01 1.02 1.01 इसका मतलब क्या हुआ? कि if you would have invested $1, तो आपको मिलेगा मिलेगा और के और मिलेगा. 1 के ऊपर में इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया इंटू वन ठीक है minus one minus one क्यों क्योंकि अपने यहां पे क्या इंटरेस्टेड है रिटर्न निकालने के लिए या प्रिंसिपल प्लस रिटर्न निकालने के लिए सो देर इज समथिंग नोन एज प्रिंसिपल एंड देर इज समथिंग नोन एज रिटर्न जैसे अपने वाले एग्जाम्पल में थाउजेंड डॉलर जब तुम लगा रहा था बैंक में दैट वॉज योर प्रिंसिपल और उस पर टेन परसेंट जो अर्न कर रहा था विच इज हंड्रेड डॉलर दैट वॉज वॉट माई रिटर्न राइट तो जब दोनों को एड कर देगा तो दैट विल बी इलेवन हंड्रेड

और सेकेंड फॉर्मूला क्या हुआ वन प्लस रियल आर एफ वन प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम वन प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम एंड टोटल माइनस वन इज इक्वल टू वट नॉमिनल आर एफ दिस इज सेकेंड फॉर्मूला दिस इज वट सेकेंड फॉर्मूला तो फर्स्ट वाला में आपको क्या करना है एड में आपको क्या करना है मल्टीप्लाई सर कौन सा टेक्निकली करेक्ट है तो तो देखो टेक्निकली वाला करेक्ट है टेक्निकली तो ये बट फर्स्ट तो वाला, वाला क्या होता है इजी टू कम्युनिकेट है अगर कोई को बोल रहा रियल आर एफ टू परसेंट है इन्फ्लेशन वन परसेंट है कोई भी इजिली एड कर लेगा टू प्लस वन ओके थ्री परसेंट इज योर रिक्वायर्ड रिटर्न बट कोई को बोलेगा आर है इन्फ्लेशन है उसके बाद कंपाउंडिंग करो तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग एक्सरसाइज होता है मतलब इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी टू डू दिस राइट

Nominal RF. क्या मिला? Nominal RF. Now, जो US, US Treasury bills होता है Treasury bills, say for, uh, 90 days का ठीक है तो आपने क्या किया एक्चुअली यूएस ट्रेजरी बिल्स में कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जिसको बिल्स में आपने इन्वेस्ट किए फॉर हाउ मेनी टाइम नाइंटी डेज के लिए कितने टाइम के लिए नाइनटी डेज के लिए उसका कुछ रिटर्न मिलेगा मेरे को उससे मेरे को कुछ

बिकॉज ये क्या है यूएस ट्रेजरेबल्स और नॉमिनल क्यू है बिकॉज यहां पर अपने क्या ले रहे हैं रियल ले रहे हैं प्लस क्या ले रहे इनफ्लेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड राइट तो अपना यहां पर कवर हुआ रियल आर एफ एन एक्सपेक्टेड इंफ्लेशन का बात थर्ड इज द रिस्क प्रीमियम थर्ड इज एक्चुअली वॉट रिस्क प्रीमियम सोचो अब आपके पास दो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है दो ऑप्शन है मान लो टू ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है से इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में यू कैन इन्वेस्ट और यू कैन इन्वेस्ट इन टू वन स्टॉक कोई भी एक स्टॉक लो से अडानी का ले लेता हूं मैं अडानी इंटरप्राइज ठीक है तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप अपना पैसा इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा सकते हो या अडानी इंटरप्राइज में लगा सकते हो अगर आप इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाया तो जो ऊपर में मैंने चार्ट बनाया था तो आपको कौन सा कौन सा कॉम्पोनेंट चाहिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सा कौन सा कॉम्पोनेंट चाहिए इफ यू इन्वेस्ट इन टू इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आई वॉन्ट फर्स्ट प्लस सेकेंड कॉम्पोनेंट मतलब रियल आर एफ प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ये चाहिए मेरे को इसको अपने बोलेंगे बट अगर तुम कोई रिस्की स्टॉक में पैसा लगा रहा है या रिस्की एसेट क्लास में पैसा लगा रहा है तो क्या आपको नॉमिनल आर एफ से काम हो जाएगा आपका क्या आपका रियल रिस्क फ्री रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से काम हो जाएगा नो आई रिक्वायर एक्स्ट्रा रिटर्न एकदम सिंपल सा चीज है जहां पे रिस्क ज्यादा वहां पे आई नीड हायर रिटर्न अब जो डिफरेंट रिस्क कॉम्पोनेंट है ये जो different risk premium है, दो हजार क्या हुआ कि एज द इन्वेस्टर इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन टू स्टॉक विच इन आवर एग्जाम्पल इज अडानी इंटरप्राइज क्या देयर इज प्रोबेबिलिटी दैट देयर कैन बी डिफॉल्ट यस देयर कैन बी अ डिफॉल्ट या अगर मैं एक स्टॉक को हटा के नॉर्मल मिस्टर ए मिस्टर बी का काउंटर पार्टी डिफॉल्ट दिस इज एक्चुअली नोन एज वॉट काउंटर पार्टी डिफॉल्ट की जिस पर्सन को मैंने पैसा दिया था वो क्या कर गया डिफॉल्ट कर गया तो क्या कोई भी इन्वेस्टमेंट में डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम हो सकता है यस इट कैन बी

सकता है एंड फॉर दैट आई नीड वॉट हायर रिटर्न दैट इज डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम मतलब काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क है इसके अंदर में राइट right. सेकेंड क्या था लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम सेकेंड वॉज लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोई रिस्की एसेट ठीक है आप कौन से एसेट को जल्दी सेल कर सकते हो एंड एट फेयर वैल्यू वापस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि कोई इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कोई रिस्की रिस्की एसेट है है आपके पास ठीक एसेट या कोई इलिक्विड एसेट है से आपके पास एक घर है रियल स्टेट है राइट वर्सेज यू हैव सिक्योरिटीज हैेयर है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो आपको क्या लगता है रियल रियल स्टेट वर्सेज दो सिक्योरिटीज किसको आप जल्दी और फेयर वैल्यू पे सेल कर सकते हो समझ में आ ही रहा होगा कि सर जो शेयर्स है या जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है बॉन्ड्स है उसको अपने फेयर वैल्यू पे और जल्दी से सेल कर पाएंगे एज कंपेयर टू रियल एसेट बिकॉज रियल एसेट्स तो इन होता है रियल एसेट्स क्या होता है इन लिक्विड वर्ड इज फाइन उसको जल्दी से बेच नहीं पाएंगे बिकॉज उसका जल्दी से बायर अपने को मिलेगा नहीं एंड अगर बायर मिला भी तो हो सकता है फेयर वैल्यू पे नहीं मिले अगर बायर मिला भी तो हो सकता है फेयर वैल्यू मतलब जो मार्केट रेट है या जो मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न है उस पर हो सकता है नहीं मिले तो इन सिनेरियो अगर फ्रॉम दैट कोई ऐसा एसे एसेट में पैसा लगा रहा हूँ जहां पे एग्जिट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तो मेरे को क्या लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम चाहिए कि नहीं चाहिए ऑब्वियसली आई नीड तो देखो जहां भी रिस्क आ रहा है वहां पे आई नीड वट प्रीमियम जहां भी रिस्क आ रहा है वहां पे आई नीड वट प्रीमियम तो लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम मतलब क्या हुआ वेयर इट इज डिफिकल्ट टू एग्जिट एट स्पीड एंड एट फेयर वैल्यू ठीक है तो अगर स्पीड में और फेयर वैल्यू में अगर तुम नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब मेरे को क्या चाहिए लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम चाहिए फ्रॉम दैट एसेट क्लास लास्ट इज दिच्योरिटी रिस्क प्रीमियम मिच्योरिटी रिस्क प्रीमियम क्या हुआ सोचो दो टाइप का बॉन्ड bond है बॉन्ड्स ठीक है फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट जीरो One, तो मैंने अगेन नंबर लाइन स्टैंडिंग एज़ ऑन आपके पास दो ऑप्शन एक ऑप्शन है कि का second, के बाद आपको उसका कूपन प्लस मिल जाएगा फेस वैल्यू एंड फिफ्थ ईयर में जो फाइव ईयर का बॉन्ड ले हो तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर आपको कूपन पेमेंट मिलेगा प्लस ऑन मे्योरिटी यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ दी बॉन्ड तो ये फिफ्थ ईयर में मिलेगा आपको तो कौन से बॉन्ड में बॉन्ड नंबर फर्स्ट ईयर और बॉन्ड नंबर टू विच इज यू नीड हायर रिटर्न फर्स्ट ईयर में, में ज्यादा चाहिए फिफ्थ ईयर वाला से ज्यादा चाहिए किससे चाहिए ज्यादा फिफ्थ ईयर में बिकॉज देखो फाइव ईयर का ना उसका मेच्योरिटी इज मोर उसका मेच्योरिटी इज मोर तो जिस चीज का मेच्योरिटी इन दैट Also, में अपने थाउजेंड मतलब, वाल वाला तो फ्यूचर वैल्यू था इलेवन हंड्रेड था इंटरेस्ट रेट बस टेन परसेंट और मैंने वन ईयर लिया था वहां पे तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा आपका ये मेरा फ्यूचर वैल्यू है ये मेरा आर है ये एन है तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा इट विल बी थाउजेंड इट विल बी वट थाउजेंड अगर मैं ये सेम चीज को इलेवन हंड्रेड लेता एंड वन पॉइंट वन जीरो लेता और यहां पे मैं फाइव ईयर कर देता इफ वुड हैव टेकन फाइव ईयर तो मेरा कितना आता चेक करो एक बार प्लीज इलेवन हंड्रेड This would have 683, 683 होता ठीक है और अगर मैं इंटरेस्ट रेट को टेन परसेंट लेता ठीक है 5 लेता या ईयर तो इसका मतलब जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ रहा है कोई भी एसेट का जैसे जैसे मेच्योरिटी अगर बढ़ रहा है इट्स इंक्रीजिंग तो ऑब्वियसली जो मेरा चेंजेस होगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस दैट विल बी मोर जो प्राइस में चेंजेस आएगा वो क्या आएगा ज्यादा आएगा चेंज चेंज इन इन प्राइस ड्यू टू विल बी मोर देखो यहाँ पे थाउजेंड था, था। ये क्या हो गया सिक्स एटी थ्री अब अगर तुम यहाँ पे टेन लेगा इफ यू वुड टेक टेन तो ऑब्वियसली यहाँ पे वैल्यू और कम हो जाएगा सिक्स एटी थ्री से और कम हो जाएगा इसका मतलब जैसे जैसे मेच्योरिटी आप इनक्रीज कर रहे हो तो आपका वैल्यू क्या हो रहा है कम होते जा रहा है राइट right? जैसे जैसे आप मेच्योरिटी इंक्रीज करते जा रहे हो आपका जो प्रेजेंट वैल्यू क्या होते जा रहा है कम होते जा रहा है तो इट इज एक्चुअली वॉट सेंसिटिव टू दी चेंजेस इन दी एन तो मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम एक्चुअली हुआ क्या लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो होता है विच इज से फाइव ईयर आर मोर वॉलोटाइल मोर वॉलाटाइल देन शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स देन शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म बॉन्ड है विच इज फाइव ईयर बॉन्ड वर्स इज वन ईयर का बॉन्ड तो जो फाइव ईयर वाला बॉन्ड है वो ज्यादा चेंज होगा एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के कंपेयर में डोंट वरी अपने पास एक एक फिक्स्ड इनकम का जो टॉपिक है वहां पे ये सब सारा चीज अपने कवर करने वाले हैं ये जो लाइन लिखा है मैंने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर मोर वोट देन दी शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स वहां पे पूरा नंबर्स के थ्रू आई एक्सप्लेन यू कि कैसे ये अपने चेक कर सकते हैं बट हाँ ये चीज समझ में आ गया कि सर लॉन्ग टर्म में मेरे को ज्यादा प्रीमियम चाहिए एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म में मेचोरिटी प्रीमियम राइट तो ये आपका थ्री कॉम्पोनेट्स कवर हो गया इन टर्म्स ऑफ वट आर दी डिफरेंट कॉम्पोनेट ऑफ द इंटरेस्ट रेट अंडर दैट वी हैव कवर्ड द रिस्क प्रीमियम फटाफट से रिकैप करते हैं कि रिकर दी इंटरेस्ट रेट वी हैव रियल आरएफ विदाउट इन्फ्लेशन विदाउट डिफॉल्ट देन वी हैव एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कि कितना इन्फ्लेशन अपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं देन थर्ड वी हैव रिस्क प्रीमियम रिस्क प्रीमियम के अंदर में वी हैव डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम एंड मिच्योरिटी रिस्क प्रीमियम चलो अब यहां पे एक एग्जाम्पल में आते हैं अपने क्विकली एग्जाम्पल नंबर वन एग्जाम्पल नंबर वन क्या बोल रहा है से यू हैव फाइव ईयर का इन्फोसिस का बॉन्ड ठीक है तुम फाइव ईयर का मेचोरिटी का इन्फोसिस का बॉन्ड बाई करके रखा है उसपे जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा दैट विल बी से एट परसेंट करके पर ईयर कितना मिलेगा एट परसेंट करके सेकेंड है ईयर इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड फाइव ईयर का इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड तुम होल्ड कर रहा है इसपे इंटरेस्ट मिल रहा है से फोर परसेंट ठीक है तो इन्फोसिस का बॉन्ड होल्ड किया एट परसेंट और इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड होल्ड किया फोर परसेंट तुमने एक चीज यहाँ पे गौर किया मैंने क्या रखा है इंटेंशनली टाइम पीरियड को सेम रखा है दोनों बॉन्ड का मेचोरिटी क्या रखा है सेम इसका मतलब फोर परसेंट वर्सेज एट परसेंट का जो डिफरेंस है फोरसेंट वर्सेज एट अच्छा यहाँ पे फोर परसेंट हो जाएगा विच विल बी सेम एक काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे नंबर्स को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ आई एम जस्ट टेकिंग दिस एज थ्री परसेंट

आप किससे फटाफट से सेल करके एग्जिट कर सकते ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड एज कंपेयर टू कोई कंपनी का बॉन्ड एज कम्पेयर टू सम कंपनी का बॉन्ड इसका मतलब क्या आपको लिक्विडिटी प्रीमियम चाहिए हाँ चाहिए तो इन्फोसिस का एट परसेंट के अंदर में क्या लिक्विडिटी प्रीमियम होगा बिल्कुल होगा मिच्योरिटी रिस्क प्रीमियम होगा नहीं होगा बिकॉज फाइव ईयर फाइव ईयर सेम है बात हो चुका डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम होगा बिल्कुल होगा बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडियन गवर्नमेंट में नॉट डिफॉल्ट बट कैन इन्फोसिस यस इट कैन तो ये जो 8 है इसके अंदर में क्या अपना डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम है बिल्कुल है थ्री परसेंट तो क्या आपका नॉमिनल है तो बचा हुआ कॉम्पोनेंट इज वॉट रिस्क प्रीमियम एंड बचा हुआ कॉम्पोनेंट दैट रिस्क प्रीमियम इज विच रिस्क प्रीमियम डिफॉल्ट लिक्विडिटी और मेचोरिटी डिफॉल्ट एंड लिक्विडिटी प्रीमियम तो क्या बोला जो थ्री परसेंट है दिस इज नॉमिनल आर एफ विच इज रियल आर एफ प्लस इन्फ्लेशन राइट और जो एट परसेंट है उसका क्या क्या कॉम्पोनेंट है इन्फोसिस वाला सर एट तो थ्री तो परसेंट है ही है थ्री परसेंट तो है ही है विच इज दॉमिनल आर एफ प्लस

डिफॉल्ट और लिक्विडिटी में क्या गैप है लाइक हाउ मच इज द डिफॉल्ट एंड इज द लिक्विडिटी बिकॉज इट्स नॉट मेंशन इन 2 मान लो यूएस गवर्नमेंट बिल रिटर्न आपको दे रहा है फोर परसेंट यूएस गवर्नमेंट बिल आपको रिटर्न दे रहा है फोर परसेंट वर्स यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड आपको रिटर्न दे रहा है सेवन परसेंट कितना रिटर्न दे रहा है सेवन परसेंट दे रहा है कितने इयर्स का है अच्छा बिल तो है आपका शॉर्ट टर्म और बॉन्ड है आपका लॉन्ग टर्म ठीक है बिल से नाइन्टी डेज एंड बॉन्ड से फाइव ईयर का ठीक है तो जो बिल्स होता है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और जो बॉन्ड होता है दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म जनरली फॉर लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो वट इज गैप ऑफ दिस थ्री परसेंट ये जो थ्री परसेंट है ये क्या कंपोनेंट है वॉट इज डिवाइड किया था अभी एग्जाम्पल नंबर वन में जो जो गैप है थ्री परसेंट का वो थ्री परसेंट है क्या तो देखो सेवन परसेंट के अंदर में एक कॉम्पोनेंट फोर परसेंट है विच इज दिस प्लस बचा हुआ कॉम्पोनेट इज वॉट थ्री परसेंट डिफरेंस दिस फोर परसेंट इज एक्चुअली वॉट नॉमिनल आर एफ

गवर्नमेंट इसका मतलब डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम होगा कि नहीं होगा नो डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम विल नॉट बी देयर तो इसके अंदर में डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम नहीं होगा थ्री परसेंट सेकेंड कॉम्पोनेट क्या था लिक्विडिटी सेकेंड कॉम्पोनेट वॉज वॉट लिक्विडिटी दोनों क्या है गवर्नमेंट बॉन्ड्स है या गवर्नमेंट बिल है तो क्या लिक्विडिटी इश्यू होगा मीन्स वेदर यू विल स्टक इन दी इंस्ट्रूमेंट और यू विल बी एबल टू एग्जिट इजिली यू विल बी एबल टू एग्जिट इजिली बिकॉज गवर्नमेंट बॉन्ड है ना या गवर्नमेंट बिल है तो आराम से आप उसको बेच सकते हैं हो. तो ना ही डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम होगा ना ही लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम होगा बचा क्या मेचोरिटी प्रीमियम तो डू यू थिंक मेचोरिटी फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर डेज इंस्ट्रूमेंट इज फॉर तो यस इज अ डिफरेंस इन दी एक है शॉर्ट टाइम का और एक है क्या लॉन्ग पीरियड का लॉन्ग टाइम फ्रेम का तो दिस थ्री परसेंट इज वॉट एक्चुअली मेचोरिटी रिस्क प्रीमियम रिस्क प्रीमियम तो फर्स्ट कॉम्पोनेट हो गया आपका नॉमिनल आर एफ सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या हो गया मेच्योरिटी प्रीमियम राइट ओके गोइंग बैक टू इन्फ्लेशन गोइंग बैक टू इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन में एक चीज अपने समझे थे इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ एक्चुअली इन्फ्लेशन मीन डिक्रीज इन दी परचेजिंग

प्रोटेक्शन सिक्योरिटी देखो नाम से देखो ये क्या आपको कोई इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन दे रहा है क्या दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी यस नाम ही है ना एक तो तो ट्रेजरी है सेकंड क्या है इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है ओके सबसे पहला जो टिप्स का रिटर्न है से थ्री परसेंट तो ये क्या थ्री परसेंट के अंदर में इन्फ्लेशन इंक्लूड है कि नहीं है थ्री परसेंट के अंदर में इन्फ्लेशन इंक्लूड है कि नहीं है सर so थ्री परसेंट क्या रिटर्न है टिप्स है ठीक है तो क्या इन्फ्लेशन इंक्लूड है कि नहीं है इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं है इसके अंदर में इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं है इसके अंदर में बट अभी आपने बोला इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है इसका मतलब फील आ रहा था 3 के अंदर में इंक्लूड होना चाहिए थ्री परसेंट के अंदर में इंक्लूड होना चाहिए तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब भी इन्फ्लेशन होगा जब भी एक्चुअली इन्फ्लेशन होगा मार्केट के अंदर में देन ये जो टिप्स है ना जो आप फेस वैल्यू है बॉन्ड का इज थाउजेंड आपको ये बॉन्ड होल्ड कर रहे हैं उसका फेस वैल्यू आपको कितना मिलने वाला है थाउजेंड मिलने वाला है बट देर इज ए इन्फ्लेशन ऑफ फाइव परसेंट तो ये टिप्स क्या करेगा वो जो थाउजेंड प्लस दैट फाइव परसेंट थाउजेंड तो देगा ही देगा प्लस उस पर जो फाइव परसेंट विच इज थाउजेंड फिफ्टी उस पे आपको थ्री परसेंट देगा उस पर आपको थ्री परसेंट का रिटर्न देगा क्या बोला कि फेस वैल्यू है कोई बॉन्ड का थाउजेंड

तो आपको थर्टी ही मिलने वाला है ये आपको सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रहा है इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो इसके क्या इंटरेस्ट रेट के अंदर में इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है क्या नो दिस इज एक्चुअली दिसल आर एफ दिस इज एक्चुअली एक्सेंट इज वॉट रियल आर एफ बट हां अगर इन्फ्लेशन हुआ तो आपको फेस वैल्यू पे एक्स्ट्रा रिटर्न uh, मिलेगा विल बी एज टू विचविली आपको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है तो कि नहीं दे रहा है यस yes, दे रहा है किस पे इंटरेस्ट जो उसका इंटरेस्ट है उस पे या फेस वैल्यू पे फेस वैल्यू पे राइट सो दिस इज ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी तो थ्री परसेंट इज एक्चुअली रियल दिस एक्चुअली वॉट रियल राइट या तो कॉम्पोनेंट ऑफ द इंटरेस्ट रेट वेरी इंपॉर्टेंट रियल आर एफ प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन प्लस रिस्क प्रीमियम और इसको अपने नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी बोल सकते हैं कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल आरएफ प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन प्लस रिस्क प्रीमियम जिसके अंदर में आएगा पहला डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम प्लस लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम प्लस मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम इज इट फाइन तो नॉमिनल आरएफ नहीं लिखा है मैंने नॉमिनल इंटरेस्ट रेट लिखा है तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में रियल आरएफ प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन प्लस डिफॉल्ट लिक्विडिटी एंड मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम तो ये था आपका एल नंबर ए दिस वॉज एक्चुअली योर एल नंबर ए जहां पे अपने इंटरेस्ट रेट को समझे और अलग अलग रिस्क प्रीमियम को समझे हैं ओके नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस एलओएस नंबर बी सी एन गोइंग फॉरवर्ड